एक दो तथ्य रखना चाहता हूं। जैसे तस्लीम रहमानी साहब ने कहा अंग्रेज किसको क्या दे रहे थे, हमने बचपन में पढ़ा कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे और उस जमाने में शायद उनकी आमदनी 4,000 रुपए पर डे से ज्यादा थी, जो आज भी बहुत बड़ी चीज है, और मोतीलाल नेहरू उससे भी बड़े वकील थे। मैं पूछना चाहता हूं ये उस जमाने में 1,000 रुपए पर डे की आमदनी के लिए पेमेंट कौन करता था? किसी हिंदुस्तानी का मुकदमा लड़ रहे थे क्या? भारत तो बहुत गरीब था, हम तो अकाल और भुखमरी से झेल रहे थे, पेमेंट कौन कर रहा था? अंग्रेजों के मुकदमे लड़ रहे थे ना इसीलिए तो। और मैं यह भी बताना चाहता हूं जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, काकोरी कांड जो लखनऊ के पास ब्रिटिश सरकार का खजाना क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? जेएन मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस के नेता खड़े थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि इनको फीस कौन दे रहा था? उनको सरकारी वकील थे ना, तो सरकार से ही तो फीस ले रहे होंगे। अब मैं एक दो फैक्चुअल बात कहता हूं, वो तो विषय अभी सावरकर जी का, माहुरकर जी बताएंगे। मैं एक बात कोट करता हूं, बहुत बड़े एक साहित्यकार हुए वीएस नायपॉल, जिनको 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला है अपनी किताब एमंग द बिलीवर्स के लिए। उन्होंने बहुत पहले किताब लिखी इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन, उन्होंने कहा भारत दुनिया का एक विचित्र देश है, एकमात्र देश है जहां राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। नंबर दो, उन्होंने कहा यह एकमात्र देश है जो अपने लिखे इतिहास को ऑथेंटिक नहीं मानता, दूसरों के लिखे इतिहास को ऑथेंटिक मानता। उन्होंने कहा ब्रिटेन में जाइए, कोई ब्रिटिश, फ्रेंच या जर्मन के लिखे इतिहास को नहीं मानता, कोई जर्मन, इटालियन या स्पेनिश के लिखे इतिहास को नहीं मानता। कहा उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि यह विदेशियों के लिखे इतिहास को ही प्रामाणिक नहीं मानता है, जिन्होंने इस पे हुकूमत की, जो इसके दुश्मन थे, उन दुश्मनों के लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानता है। कहता इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूं उसमें हुआ क्या, एक और उदाहरण बता रहा हूं। सारे सिलेक्टिवली हीरो को दबाया गया। हाँ, मैं उसके दो उदाहरण फैक्ट बता रहा हूं। मैं दर्शकों से कह रहा हूं जाइए चेक करिए, एक केजीबी के जासूस था जिसका नाम था यूरी बेजनेव, जो भारत में पत्रकार बनके 70 के दशक में रहता था, उसके संस्मरण पढ़िए। उसने लिखा हमें एजेंडा दिया गया था कि भारत की संस्कृति को कैसे तबाह करना है और उसके लिए हम क्या क्या कर रहे थे। जो बात इन्होंने कहा कि नूरुल हसन साहब बने तो उसके बाद क्या हुआ वो छोड़िए। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं, महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 235 पे ये लिखा कि वो तो एक योद्धा था, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसने जो लूटपाट की है वो अपने किंगडम को इनरिच करने के लिए की है। जबकि हकीकत यह है कि खुद महमूद गजनवी के साथ आए हुए उसके राइटर उसने अपनी किताब तारीकुल यामनी में लिखा है कि जब उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके पास राजा और पुजारी पहुंचे कि ये शिवलिंग मत तोड़िए, इसके लिए हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं, और उसके सलाहकार गए तो जानते क्या जवाब दिया महमूद गजनी ने कि मैं तोड़ूंगा जरूर इसलिए कि कयामत के दिन मैं बुत फरोश के रूप में जाना जाऊं, बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, बुत फरोश के रूप में, यानी ट्रेवल, यानी मैं एक बुत फरोश का मतलब हुआ कि जो मूर्तियों के साथ बिजनेस कर रहा हो उसके लिए नहीं, मूर्ति को तोड़ने। फिल्में हम लोग देखते हैं, युवा पीढ़ी को प्यार मोहब्बत की बातों में बड़ा आनंद आता है। एक लाइन और कह दूं तो प्यार मोहब्बत की बात हो तो क्या नाम याद आते हैं, शाहजहां, नूरजहां, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शीरी फरहाद, लैला मजनू, यही पढ़ाया गया ना। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी 1 दर्जन से कम ऑफिशियल बीवियां रही हो, और एक भी बादशाह बताइए ऐसा कैसा प्यार था तो 10-10 के साथ हो जाता था। स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम का प्रतीक 3 पीढ़ियों से हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया कि बच्चे से पूछिए तो उसे यही याद आता है। इसे कहते हैं एजेंडा, और एजेंडा सिर्फ एक तरफ नहीं था, इंडिया गेट के सर्किल पे घूम जाइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर, वो सब तो अलग है, आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगी मगर राणा प्रताप रोड नहीं मिले। आवाज देश ने दुनिया भरना समाचारों माटे जोता रहो पावन न्यूज, पावन न्यूज चैनल ने हमणा सब्सक्राइब करो, बाजू में आपेल बेल आइकन पर क्लिक करो, वीडियो ने लाइक करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो और जोता रहो पावन न्यूज। हिंदी भाषी समाचारों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.pawannews.online पर।